वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक भाजपा नेता द्वारा हवाई फायर करने का मामला सामने आया है। दरअसल बीते शनिवार को परासिया रोड पे स्थित निजी बिल्डिंग में रहने वाले भाजपा नेता नितिन खंडेलवाल ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोग्य अस्पताल के नीचे तीसरे माले पर भाजपा नेता नितिन खंडेलवाल ने खिड़की पर अपनी 32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायर किए। इस बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नितिन खंडेलवाल की रिवॉल्वर जब्त कर 5 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा भी बरामद किया। छिंदवाड़ा से मुकेश तिवारी की रिपोर्ट। कल जो है आरोग्य हॉस्पिटल के सामने गोली की चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। वो असल में जो उनके आरोग्य हॉस्पिटल में मेडिकल संचालक नितिन खंडेलवाल, उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग से जो है दहशत का माहौल वहाँ पर हो गया था, तो पुलिस मौके पर पहुँच के और वो जो लाइसेंसी रिवॉल्वर था उसको जब्त किया। फायरिंग का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का जन्मदिन है, किंतु उस तरीके का कोई समारोह या नहीं चल रहा था और अचानक से फायरिंग करके दहशत का माहौल और उपेक्षापूर्ण कर उन्होंने किया है, जिसपे हमने धारा 336 IPC और धारा 308 के तहत उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिया है और पिस्टल और जो चले हुए कारतूस वो जब्त कर लिया है।